गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माइंड योर साइंस, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत, सभी का अभिनंदन। और आप सब ठीक होंगे, यही मैं आशा करता हूँ अपने चैनल की तरफ से। और आज के दिन मैं आपके साथ दो बातें शेयर करने जा रहा हूँ। पहली बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की के बारे में आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमने तीन बातें डिस्कस करनी है। पहली कि इनकी फीस स्ट्रक्चर आ गया और कितनी सीट्स किस कॉलेज में है वो भी आ गई है, दो लिस्टें आ गई है, कुछ इंस्ट्रक्शन जनरल इंस्ट्रक्शन, और एक और महत्वपूर्ण नोटिस जो कल आया था और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कल सारी चीज़ें आई, तो एक दिन के बाद ही मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कि एक दिन बाद आ जाए, क्योंकि सारी चीज़ें एक बार अप्रूव हो जाए उसके बाद मैं उसको एनालाइज करता हूँ, उसके बाद फिर ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात उन विद्यार्थियों के लिए जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि हॉस्टल्स को ओपन कर दिया गया फॉर ओनली द PhD स्टूडेंट्स। थोड़ा सा कहीं से भी कोई मिस वो मत ले लेना कि भाई हॉस्टल ओपन हो गए हैं, इस बार कहीं इंक्वायरीज आने लग जाएगी सर हॉस्टल की फ़ीस भरनी पड़ेगी। मैंने अभी बताया फेज़ वाइज, और उसके अंदर भी उन्होंने कंडीशंस रखी है। क्या कंडीशंस रखी है कि जो भी बच्चा अब आएगा अपने घर से उसको पहले 14 दिन का अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना है, उसके बाद फिर वो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसको फिर उसको हॉस्टल में अलॉट कर दिया जाएगा। हॉस्टल्स की काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, अलग अलग हॉस्टल्स हैं आपको पता है, और उसके बाद खाने की जो व्यवस्था है उसके बारे में भी बताया गया है कि अगर किसी हॉस्टल में वैकेंसी कम है तो दूसरे मेस से उसको खाना दिया जाएगा। तो ये सब बातें तो उन बच्चों के लिए है कि जो हमारे PhD कर रहे हैं, तो उनका अब लैब वर्क दोबारा स्टार्ट होने वाला है, तो उनको इनवाइट कर लिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसका मतलब होप अब आगे आ रही है कि धीरे धीरे फेजेस में हमारी गवर्नमेंट जो है MSc, उसके बाद फिर अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज के भी हमारे जो है धीरे धीरे करके हॉस्टल्स भी शायद खोल दिए जाएंगे। अभी कुछ नहीं पता, गवर्नमेंट जैसा डिसाइड करेगी, जैसा इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी सिर्फ मैंने बताया कि ये भी प्रायोरिटी ऑर्डर पे है कि जो सीनियर है, सबसे ज़्यादा सीनियर है, जो मतलब लास्ट में है, लास्ट ईयर में, जैसे PhD में 2 या 3 साल लग जाते हैं, 4 साल भी लग जाते हैं, तो सबसे सीनियर है उनको बुलाया जाएगा पहले, उसके बाद उससे जूनियर, फिर उससे जूनियर, ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप बाई स्टेप पीरियड को खोला जाएगा। और जैसे कि पता ही है कि जो अब जो PhD कर रहा है तो मैच्योर होता है, तो उसको अपना सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का सारा ध्यान देगा वो। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपके साथ ये शेयर की। दूसरी इन्फॉर्मेशन कि DU की जो हमारी फ़ी स्ट्रक्चर्स है वो आ गई है, वो कैसे देखनी है वो मैं अभी इसके साथ दूसरी वीडियो बनाऊंगा, अटैच करूंगा, तो स्क्रीन के साथ आपको मैं प्रेजेंट करके बताऊंगा कि कैसे करना है। तो कुछ बच्चे ऐसा होता है कि अभी मैं थ्योरेटिकली बता दूंगा तो कई बच्चे नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकली, तो उसको मैं प्रैक्टिकली मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे आपने करना है। तो दो विषय हमने डिस्कस करने हैं बेटा, मैं अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एक DU का फ़ी स्ट्रक्चर अवेलेबल हो गया है, आप अपनी फ़ीस जितनी भी होगी, जैसे ही आपको सीट मिलेगी तो आपको अपनी फ़ीस भरनी होगी, तो आपका फ़ीस का जो है वो उन्होंने अपना शेड्यूल डाल दिया सभी कॉलेजेस का, सभी में डल गया है। और इसके बाद इसमें हमारी मैं दूसरी बात कर रहा था कि कितनी सीट्स कितनी अवेलेबल है, फ़ीस और सीट्स। रजिस्ट्रेशन की ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, इसमें बता भी दूंगा कि आज की डेट में कितनी रजिस्ट्रेशन हो गई है, आज मतलब जो हमारी आज की तारीख है, तो 25 तारीख को आज हमारी कितनी रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो ये पहला फेज़ है हमारी इस वीडियो का, और अंत तक लास्ट तक देखना, और इसको कंटिन्यूड रखूँगा मैं, ठीक है। इसी के साथ ही ये सेशन जो है मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, और इसके साथ अब जुड़ जाएगा आपके साथ वीडियो किस तरीके से आपने ओपन करके लिंक के साथ जुड़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस, बने रहे फ्रेंड्स। ये अब इसका सेकेंड पार्ट है हमारा, मैं इसके साथ अटैच करूँगा। जैसा कि अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि हाउ टू चेक द सीट्स एंड हाउ टू चेक द फीस ऑफ द यू, तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर
du.ac.in आपने डालना है और आपके पास ये ऑफिशियल दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट खुल जाएगी। आप इसमें जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ कि ये आपको नज़र आएगा। इसके ऊपर आपने जहाँ पर आप ब्लू कलर की आप देख रहे हैं एडमिशन पे क्लिक करना है आपने। तो जैसे ही आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दो पोर्टल्स खुल जाएंगे। देखें आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ आएगा कि यहाँ से जैसा कि मैं बता रहा हूँ यूजी पीजी देन एमफिल और उसके बाद हमने ये यहाँ से जब आगे स्क्रीन को आगे करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दूसरे नंबर पे है नंबर ऑफ सीट ऑफ वेरियस कॉलेजेस डिपार्टमेंट अंडर मेरिट बेस कोर्स। तो आप समझ रहे हैं जो आपकी मेरिट बेस कोर्स के लिए यहाँ से हम सीट्स देख लेंगे। उसके बाद इसका सेकंड नंबर पे आप देखेंगे बेटा फी स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मेरिट बेस कोर्सेज। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पर चेक करेंगे और मैं आपको चेक करना भी बता दूंगा। मैंने अपनी वैसे फ़ाइल के अंदर डाउनलोड किया हुआ है। ये सारी की सारी जो हमारी इंफॉर्मेशंस हैं यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो मैं अब यहाँ पर सीधा आपको लिए चलता हूँ कि सीट्स कैसे देखनी है। तो ये आप देखेंगे कि ये हमारी सीट्स जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी हमारे पास। अब ये डाउनलोड हो गई है और सबसे पहले जैसा कि मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही आपके साथ वीडियो शेयर किया था तो आप देखेंगे सबसे पहले आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है और अदिति महाविद्यालय वुमेंस। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से स्क्रीन आप देख रही होगी आपको सभी को सभी बच्चों को और मैं सारा थोड़ा सा समझा देता हूँ। बस देख तो आप भी लोगे लेकिन मैं क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ बच्चों। तो बीएससी बीकॉम जैसे ऑनर्स की सीट्स हैं टोटल कुल सीट्स देखो कितनी है बच्चों 125। इसमें अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी की 50 है, एससी की 19, एसटी की 9 और ओबीसी की 34, EWS की 30 और माइनॉरिटी की कोई सीट नहीं है। और ये जो लास्ट वाला कॉलम होता है वेदर 1% कंसेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द वोमेन कैंडिडेट येस या नो। बेटा ये होता है कि जैसे गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन का जो हमारी सरकार अभियान कर रही है तो उसके ऊपर जैसे 1% सीट रिजर्व की जाती है। तो कहीं पर कोर्सेज में जैसे अब बी कॉम ऑनर्स में नहीं है तो जहाँ पर आप देखेंगे वाई लिखा हुआ है तो यस है और जहाँ पर नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर क्या है बेटा नो। तो ये आप देख सकते हैं। मैं केमिस्ट्री की भी सीट्स बता देता हूँ। जैसे ये हमारी है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। जो बच्चे अब ये वीडियो देखेंगे तो वो बड़े ध्यान से अपनी माइन्यूटली कैलकुलेशंस कर लें बच्चों अपनी सीट्स मेरिट के हिसाब से। मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसके अंदर मैंने आपको सारे कॉलेजेस की पिछले साल की मेरिट्स बता दी थी, ठीक है, कि लास्ट कट ऑफ क्या गई है। और इस साल मैंने जैसा बताया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5% इंक्रीज़ हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2% इंक्रीज़ होगी। तो उसमें प्लस करके आप उन कॉलेजेस की सीट्स के बारे में थोड़ा सा देख ले। जो मैं अभी जस्ट आपको बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री की बात कर रहा था 63 है टोटल, 26 हमारी अनरिजर्व जनरल, एससी 9, 5 एसटी, 17 ओबीसी, 6 हमारी ईडब्ल्यूएस और माइनॉरिटी की एक भी नहीं है और एक बच्चा है जिसके लिए मतलब ये गर्ल्स स्टूडेंट के लिए 1% सीट इन्होंने यहाँ पर शो की हुई है। तो ऐसे ऐसे फिज़िक्स जियोलॉजी और जितने भी कोर्सेज हैं बेटा जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है ये सारे प्रोग्राम्स की आप देखो लिस्ट वाइज लिस्ट ये हमारे पास आ रही है। तो ये आप अपनी एक बार पूरे अपनी फाइल डाउनलोड मार लें अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद ये थोड़ा सा एनालिसिस कर लें क्योंकि देखो 31 तक एडमिशन्स की लास्ट डेट है। तो अपना अगर आप होमवर्क करके रखोगे तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा बेटा कि आपकी जो जब आप सीट अलॉकलेशन होगी तो आप जब चॉइसेस विल करोगे तब ये सारी बातें आपको पे करेगा बेटा। तो ये वीडियोस मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ, आप वीडियोस को ध्यान से देखें। जो मेरी परसेंटेज वाइज जितने भी कट ऑफ की लिस्ट वाली वीडियोस हैं अगर उनमें से आप नोट करके अपनी अपनी देख लेंगे कि भाई मेरी इतनी मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि क्या बताया था कि बेटा जैसे आपके पास सपोज 95% आपके बन रहे हैं और 95% आपके नंबर बन रहे हैं तो आपने क्या करना है बच्चों कि आप 95 प्लस में 1 या 1.5% ऐड कर लेंगे 96.5 की जो लास्ट कट ऑफ वाली जितनी भी हमारे कॉलेजेस हैं उनके नाम आपने एक कागज़ पे लिख लेना है, ठीक है बेटा। मैं बड़ा थोड़ा सिंपल सी बात आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ जिससे कि आपका एडमिशन हो जाए क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ कि मेरी अपनी भी बेटी है उसका भी एडमिशन मैंने इसी तरीके से करवाया था कि उसका शी इज़ डूइंग बीटेक, उसने तो बीटेक कंप्लीट कर ली है। तो
उसका भी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का था, उसका बाद में मूड बन गया तो जेई में अच्छा रैंक आ गया तो उसने बीटेक प्रेफर किया। तो मैंने भी सारी एनालिसिस करी थी, और ये करने के बाद अगर आप अपना होमवर्क करके अगर ये करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये मतलब बहुत एक कैलकुलेशन है, क्योंकि सारा कुछ कंप्यूटर पे खेल है, तो ये थोड़ा सा मैनुअल तो है नहीं कि भाई इसमें चेंज कर देंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आप नोट करें कि आपने जो जो 96.5 वाले जितने भी कट ऑफ वाली लिस्ट है लास्ट वाली, उन कॉलेजेस के नाम लिख लेना है। अब आपके पास अब सीट्स की भी आ गई इंफॉर्मेशन, उसके आगे सीट्स लिख लें अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल में भाई कितनी सीट्स हैं और मतलब कितनी मेरे चांसेस हैं इसमें आने के, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा सीट्स हैं तो नेचुरल सी बात है वो कॉलेज आप प्रेफर करेंगे, तो नेचुरल सी बात है आपका एडमिशन वहाँ पर एकदम हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके साथ शेयर की बेटा। अब मैं आपको ये सीट्स की डिस्कस की थी, अब मैं आपको फीस की बात डिस्कस कर देता हूँ। ये भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। अभी जैसे मैंने डाउनलोड किया तो ये आपके पास फीस आ गई बेटा। तो ये हमारी जो सबसे पहला, ये भी अल्फाबेटिकल है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज की जो फीस है हमारी बी कॉम ऑनर्स की, देखिए बेटा अनरिजर्व वालों के लिए 7965, सभी की 79, पीडब्ल्यूडी के बच्चों के लिए सिर्फ कम है। तो इस तरीके से जो है ये हमारी जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस की आप फीस देख रहे हैं 22,965 रुपये है बेटा, बायो मेडिकल साइंस 18,000। तो ये डिपेंड करती है कि भाई कॉलेज की क्या है। अब इसके बाद हम कुछ ऐसे कॉलेजेस उठा लेते हैं कि जो थोड़े से अच्छे माने जाते हैं, जैसे मैं अब आपको ले चलता हूँ। ये तो लो कॉलेजेस हो गए हमारे, और कुछ मैं आपको जैसे हम बात करेंगे एक हंसराज कॉलेज की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मेरे साथ चलें, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ रहा है ना कैसे देखना है। ये आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर है बेटा, ठीक है। मैं ये आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट की हुई है, गार्गी कॉलेज की देख लेते हैं। तो गार्गी कॉलेज एक रेपुटेड कॉलेज है बेटा, बीए प्रोग्राम की यहाँ पर जो फीस है वो 13,000 समथिंग है, और बीए ऑनर्स की 13,000 है, और यहाँ पर ये लाइफ साइंस की 14,000 है बेटा, फिजिकल साइंस की 13,645, ऑनर्स केमिस्ट्री की 14,145, मैथमेटिक्स की 13,000, ऑनर्स की हमारी 20,945। तो ये हमने एक गार्गी कॉलेज डिस्कस किया बेटा। अब मैं आपको हंसराज कॉलेज की तरफ ले गए, आप देखें हंसराज कॉलेज आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो फिलॉसफी की यहाँ पर 20,945 और बीकॉम ऑनर्स की 20,945। तो ये आप फीस देख सकते हैं, ये कुछ फीस मैंने आपके सामने पढ़ ली, जियोलॉजी की 24,515। तो ये अपनी जैसे भी स्ट्रीम आप चुनने जा रहे हैं तो उसकी फीस का भी आपको डाटा जो है मालूम होना चाहिए बेटा। तो ये आपको फीस की तो आइडिया, देखो पैसे है कि कहीं बच्चा थोड़ा सा सोचता है कि भाई मेरे भाई ज़्यादा महंगे कॉलेज में अगर नाम पड़ गया मेरा और फिर मैं अगर फीस ना दे पाया तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कुछ कोरोना के कारण भी प्रभाव पड़ा हुआ है बेटा, तो आपने अपने इकोनॉमिकली भी थोड़ा सा सतर्क रहना है कि ज़्यादा पैसे नहीं खराब करने हैं। तो जैसे कि आपका अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहा है नंबर, जैसे कालिंदी की कॉलेज की जो फीस आपकी स्क्रीन के ऊपर है कम है बेटा, तो फ़र्क है कहाँ 20,000 कहाँ 9,000, तो ये कम से कम आपके 11,000 सेव कर रहा है। तो सारी बातें आपने कैलकुलेशंस करनी है। जो मेरी वीडियोस देखते हैं, हर एरिया के बच्चे देख रहे हैं, रूरल एरिया के बच्चे देख रहे हैं, जो मतलब नेचुरल सी बात है दिल्ली में यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त तो करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है। तो वो ऐसा ना हो कि उनका कहीं गलत कॉलेज में नंबर पड़ जाए और वो बेचारे फीस के कारण वहाँ पर ना चुक पाए या उनके पेरेंट्स बेचारे इतने अफोर्ड ना कर पाए। तो इसलिए थोड़ा सा ये फीस का भी देखना महत्व है, मैंने मतलब इंपॉर्टेंस बताई। ये सिर्फ वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद नहीं है कि आप तक इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें तो आप भी चेक कर सकते हैं लेकिन गाइडेंस जो है एक टीचर ही आपको दे सकता है। बीइंग ए टीचर मैं आपको सारा का सारा जो गाइडेंस है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ बेटा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने वैसे तो वीडियो बना दी थी बेटा, यूजी रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको उस दिन बताई थी कि मैंने फिगर उस दिन बताई थी, टोटल रजिस्ट्रेशन आज देखो कितनी हो गई है। मैं पिछला भी आपके साथ वेरिफिकेशन कर देता हूँ, पिछला मैं आपके साथ एक बार मैं अभी कल जो मैंने वीडियो डाली थी बच्चों उसमें हमारे पास टोटल दिखा रहा था ये 5,32,050, तो अब और बढ़ गया है 5,46,249, और पेड रजिस्ट्रेशन उस दिन था हमारे पास 33,637, अभी हो गया 34,1491 रुपये। तो ये आप देख रहे हैं सारी उनकी EWS और SC उसी की सारी डिटेल्स आपके सामने दी हुई है बेटा। मैंने ये फिगर वहाँ से ली थी, लेटेस्ट अपडेट है आज की तारीख में, मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह मॉर्निंग में, तो ये मॉर्निंग की अपडेट आप देख रहे हैं 25 तारीख की लेटेस्ट अपडेट है। और जैसे ही आज की जितनी भी होगा
तो वो सारी की सारी कल अपडेट हो जाएगी। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन भी चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा आपका कोई मतलब नहीं है। आपको जो मैंने दो इन्फॉर्मेशन दी है बेटा, जो मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से सुने, कि एक तो अपनी जो परसेंटेज है उसके में डेढ़ या दो नंबर प्लस करके आप कॉलेजेस का चयन करके रखें, और उसके बाद आज सीट की लिस्ट आ गई है, आज बैठकर सिर्फ यही होमवर्क करना है आपने बेटा कि आपने उन कॉलेजेस की सीट्स लिख लेनी है जिस स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी मेरी ये वीडियो, और कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे ज़रूर शेयर करना अपने कमेंट बॉक्स में। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था कुछ कारण के कारण, तो कल ये मैंने टॉपिक्स कवर करने थे लेकिन मैं कल नहीं बना पाया, तो लेकिन फिर भी चलो आपको टाइम मिल गया, दूसरी वीडियोस आपने देखी, मेरी वीडियोस काफ़ी सारी डली हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो आपने मुझसे शेयर करनी है, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताना है, और कोई भी क्वेरी रहेगी रिगार्डिंग एडमिशन तो मैं हमेशा आपके साथ साथ खड़ा हूँ बेटा। और इसी तरीके से वीडियो देखते रहें, चैनल के साथ बने रहें, और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। धन्यवाद आप सभी का चैनल देखने पर।